नमस्कार, बीसीए न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सीबीआई ने अनिल देशमुख के वकील को किया गिरफ्तार, दिल्ली की कोर्ट में किया जाएगा पेश। अभिनेता सिद्धांत शुक्ला का हुआ निधन, हार्ट अटैक से 40 साल की उम्र में गंवाई जान। आरएसएस की समन्वय बैठक शुक्रवार से, 5 राज्यों में चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर होगा मंथन। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,092 नए मामले आए सामने, 509 लोगों ने गंवाई जान। शेयर बाजार हरे निशान पर, 37,423 पर खुला सेंसेक्स। पुर्तगाल के रोनाल्डो बने सर्वाधिक इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी, किए 110 गोल। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। आरपीएफ ने 16 अवैध टिकट एजेंट पकड़े, 260 टिकटें और कंप्यूटर जब्त। शहर में बारिश ने घटाया तापमान, लेकिन उमस कायम, 2 दिनों से हो रही वर्षा। अग्रसेन चौक के पास बड़ी अतिक्रमण कार्रवाई, गांधीबाग में मजार हटाई। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।